राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी लगातार जयपुर में चिकित्सा और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में जयपुर में चिकित्सा विभाग और सीएमएचओ की टीम किस तरह का कार्य कर रही है, इसके बारे में टीम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। जयपुर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। क्वारंटाइन करने वाले मरीजों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, वहीं सैंपलिंग व्यवस्था भी तेजी से बढ़ गई। इन्हीं चीजों को लेकर चिकित्सा विभाग की जो टीम है, सीएमएचओ ऑफिस की टीम है, इनसे चर्चा करेंगे। सीएमएचओ हमारे साथ मौजूद। सर, किस तरह से जयपुर में सैंपलिंग व्यवस्था की जा रही है, किस तरह से पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है चिकित्सा विभाग की ओर से? जैसे रामगंज के अंदर अचानक जो रोगियों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद मेडिकल विभाग पुलिस विभाग के साथ प्रशासन मिलकर एक वृहद योजना के तहत काम कर रहा है। हम जगह जगह क्लस्टर सैंपलिंग करा रहे हैं, जगह जगह रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। जिनकी एज 60 साल से ऊपर हैं, ILI पेशेंट है, उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं और वहाँ ट्रेस कर रहे हैं कि किसी को यदि कोरोना पर मिलते हैं तो उनको हम वहाँ से हटाते हैं, पॉजिटिव को आइसोलेट करते हैं SMS के अंदर। जो दो कॉन्टैक्ट है उनके कॉन्टैक्ट को भी क्वारंटाइन करते हैं। इससे जो समाज में या कम्युनिटी में जो पॉजिटिव पेशेंट है उनकी संख्या लिमिट कम हो जाती है, उससे इसके रोग के प्रसार होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये काम हमारी टीम दिन रात कर रही है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से जो टीम काम कर रही है, इस टीम के सदस्य ही ये बात कर रहे हैं, किस तरह से आपकी ओर से जो पूरे क्षेत्र जयपुर में रामगंज क्षेत्र में बाहर भी किस तरह से सैंपलिंग व्यवस्था, क्वारंटाइन की व्यवस्था किस तरह से करवाई जा रही है आपकी ओर से? सर, सबसे पहले हमारे को CMHO सर, डॉक्टर नवरतम शर्मा सर, हमारे को एक लाइन लिस्ट देते हैं कि ये पॉजिटिव केस आए हैं। जैसे सर की लाइन लिस्ट आती है तो हमारी एक पूरी टीम बनी हुई है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम है। तो जो हमने 17-18 रैपिड रेस्पॉन्स टीम बना रखी है, उसके ऊपर हमने उन सब टीमों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके ऊपर एक टीम बना रखी है जो उसको रेस्पॉन्स करती है टीम को, और वो टीम जा करके उनकी पूरी हेल्प करती है। तो उसमें डॉक्टर अब्दुल रूप सर हैं, डॉक्टर हुसैन सर हैं, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर विकास, चारों पाँचों डॉक्टरों की टीम है। तो वो पेशेंट को मोटिवेशन देते हैं, पेशेंटों को समझाते हैं कि कोरोना से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उनको ये भी समझाना पड़ता है पेशेंटों को कि यदि आप हॉस्पिटल एडमिट नहीं रहोगे, अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको हॉस्पिटल जाने में प्रॉब्लम होगी। तो जितनी भी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी में पेशेंट मिल रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी में पेशेंट मिल रहे हैं, और जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनका भी हमारे पे बहुत सहयोग रहता है। वो उन मरीज़ों को समझाते हैं और समझाने के साथ उन मरीज़ों को वहाँ हमारी पूरी हेल्प करते हैं, प्रशासन हमारे साथ रहता है। जैसे हम उस पेशेंट को लेकर के जाते हैं, CMHO सर का एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर होता है कि उन पेशेंटों को मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहना करके फिर भेजा जाए। तो हम मास्क भी लगाते हैं पेशेंटों के, ग्लव्स भी पेशेंटों को देते हैं। उसके बाद पेशेंट जाने के बाद उस जगह को हम पूरे को सैनिटाइज करवा करके उस गली को बंद करवा देते हैं, और जो पेशेंट की फैमिली है उसको क्वारंटाइन के लिए हम जयपुर से बाहर सेंटर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखा है, वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो जिस तरह से डॉक्टर CMHO और उनकी टीम के सदस्य ने बताया कि पूरी एक मॉनिटरिंग के आधार पर जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले जो पेशेंट और उनके संपर्क में आने वालों को क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था की जा रही है, जयपुर से विजय गिरी के साथ में लोकेश ओला A1 TV।